हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि फ्रेंडी पे में बेनिफिशियरी कैसे ऐड करें। ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या तरीका है। सबसे पहले आप फ्रेंडी पे को ओपन करें। ओपन करने के बाद इसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दिखेगा ट्रांसफ़र मनी, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। बीच वाले पे जब क्लिक कीजिएगा तो ऊपर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो ऑप्शन दे रहा है उसके साइड में एक प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद बैंक सेलेक्ट करें। इस पर क्लिक करने के बाद, बैंक वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च करेगा, सर्च बार मिलेगा आपको। यह देख सकते हैं सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ डिटेल फिलअप करना है। क्या क्या फिलअप करना है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि 2023 में ये वाला अपडेट आपको मिलने वाला है। अभी अपडेट पुराना है लेकिन 2023 में ये वाला अपडेट से आप ऐड कर सकते हैं। पहले डायरेक्टली ऐड होता था लेकिन अभी आपको जाके साइड से ऐड करना पड़ेगा। देख सकते हैं प्लस का आइकन दिख रहा है आपको, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सी बैंक में आप ऐड करना चाहते हैं, कौन से बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं, उस बैंक को ऐड करें यहाँ पे। अगर नहीं मिल रहा है, ऐसे ढूंढे में नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में लिख सकते हैं। अगर उससे भी नहीं आता है तो आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा, जो आपका बैंक होगा उस बैंक का नाम इसमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजना है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसमें ढूंढ रहा हूँ। अगर इसमें नहीं मिलेगा तो मैं लिखूँगा, लिख कर इसमें सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका एक या दो नंबर पर आपका बैंक आ जाएगा। देख सकते हैं मेरा बैंक यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। इसमें से मेरे को सेलेक्ट करना है बैंक को, किस बैंक में मेरे को भेजना है, उस बैंक का नाम इसमें सेलेक्ट करना है। देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दें। देख सकते हैं जब सामने जो दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आईएफएससी कोड डालना है, जो आईएफएससी कोड आपका बैंक का है वो आईएफएससी कोड डाल दें। डालने के बाद आप देख सकते हैं नीचे, जैसे मैं आईएफएससी कोड फिलअप कर रहा हूँ इसी तरह आपको फिलअप करना है। अदरवाइज़ आप थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा तो ये सक्सेसफुली एड नहीं होगा। ओके गाइस, देख सकते हैं आप आईएफएससी कोड सही से फिलअप करें, उसके बाद अकाउंट नंबर फिलअप करें। देखें यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को फिलअप करें। दो बार आपको फिलअप करना है अपना अकाउंट नंबर। देखें यहाँ पे जैसे मैं अकाउंट नंबर टाइप कर रहा हूँ इसी तरह आप अपना अकाउंट नंबर टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई भी सवाल जवाब है तो आप अब तक मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ फॉलो करें। कोई भी आपके मन में सवाल हो, जवाब हो, कुछ भी हो, किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ कॉन्टेक्ट करें, वहाँ से बात करें। जिस टॉपिक पर आप बोलेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूँगा। ओके गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। और ऐसे डायरेक्ट वेस्ट यूनियन भी भेज सकते हैं, बैंक में भेज सकते हैं, तो मेरे को बैंक टू बैंक भेजना है इसीलिए इसमें ये चीज़ ऐड करना है। आप क्या इशू में भेजना चाहते हैं, ट्रेवल के लिए, इमरजेंसी, पर्सनल, जो चीज़ है उसमें इसमें सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। देखें यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका सब कुछ सही है, सही से आप एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद इसमें नेक्स्ट करना है। देख सकते हैं ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपका फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, ये तीन लिखना है। अदरवाइज़ अगर मिडिल नेम आपका नहीं है तो मिडिल नेम यहाँ छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट लिख सकते हैं। जैसे मेरा मिडिल नाम नहीं है इसलिए मैं फर्स्ट में और लास्ट में लिख दूंगा, इसी तरह आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं या डायरेक्ट मेरा इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आके वहाँ से कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं आप हमसे। आप देख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लिखने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाके उसमें आपको क्या फिलअप करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे कि सर आपने जो बताया सही नहीं बताया, गलत बताया। आप बहुत कुछ बात सवाल कर सकते हैं। यहाँ से अपना सेलेक्ट करें कौन सा
देश में पैसा भेजना चाहते हैं, वो देश को कंट्री को सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद रुपया रुपया या डॉलर जो भी है आपका देश का, उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मोबाइल नंबर टाइप करना है आपको बेनिफिशरी का, जो मोबाइल नंबर है कोई सा भी मोबाइल नंबर टाइप करें। उसके बाद यहाँ पूरा डिटेल आप देख लें, एक बार सब कुछ अगर सही है आपका तो कन्फर्म करें, अदरवाइज़ आपको कोई भी इसमें गलत लग रहा है तो आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है, मैं कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करने के बाद आपके नंबर पे कॉल आएगा, किसके तरफ से, फ्रेंडी पे के तरफ से आपको कॉल आएगा, तभी जाके आपका ये बेनिफिशरी सक्सेसफुली एड होगा। अदरवाइज़ कॉल नहीं आता है तो आपका बेनिफिशरी एड नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं भेज पाइएगा। देखें जब मैं ये कर दिया, करने के बाद अभी मेरे को 2 मिनट 1 मिनट के अंदर कॉल आएगा, देख सकते हैं। अभी मैसेज आ गया है, अभी एक कॉल आ गया मेरे पास। आप खुद सुन सकते हैं। जैसा बोल रहा है उस तरह आपको करना है, तभी जाके आपका बेनिफिशियरी सक्सेसफुली ऐड हो पाएगा, अदरवाइज ऐड नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो गया सक्सेसफुली, कॉल कट जाएगा अभी। अभी देखें कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। आपका इसी तरह आपका भी होगा, जब आप देख सकते हैं अभी एक दिख रहा है आपके सामने, अभी 2 हो गया, मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो गया, इसी तरह आप कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।